ये देखिए, ये लाल किले के बिल्कुल सामने से चांदनी चौक मार्केट। दोस्तों, दिल्ली के लाल किले में आपका स्वागत है। चांदनी चौक, रेड फोर्ट। दोस्तों, मैं प्रशांत आज आपको लेकर आ गया हूँ दिल्ली के लाल किले में। जी हाँ, ये जो पीछे आपको दिख रहा है, ये ऐतिहासिक धरोहर दिल्ली का रेड फोर्ट है, जहाँ पे 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होस्ट करते हैं और एवरी ईयर हम लोग उसको टेलीविज़न पे देखते हैं और काफ़ी ग्लोरियस फील करते हैं उस समय, क्योंकि काफ़ी ग्लोरियस हिस्ट्री ही रहा है इस किले का। तक मुगल्स इम्पायर्स, मुगलों ने शासन किया है इसी किले के द्वारा। हालांकि इसको 1638 में शाहजहां के द्वारा इस किले को बनवाया गया था और लगभग 10 ईयर्स लगे थे इसको बनवाने में। और 1648 में एक किला बन के तैयार हुआ था। उसके पहले मुग़ल शासन का जो कैपिटल था, जो केंद्र था, वो आगरा में था। वहाँ से जब शाहजहाँ ने उसको शिफ्ट करना चाहा दिल्ली में, तब इसका निर्माण शुरू किया गया था 1638 में, और 10 सालों में बन के तैयार हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि जो लाल किला है, ये रेड फोर्ट है, ये पहले वाइट कलर का होता था, क्योंकि इसमें चूने के पत्थर का यूज़ किया गया था, लाइम स्टोन्स का। लेकिन समय के साथ साथ वो जब चूने के पत्थर जब टूटने फूटने लगे, तो ब्रिटिशर्स ने इसको रेड कलर से पेंट कर दिया गया, और इसलिए इसका नाम रेड फोर्ट कर दिया गया, और जो हम लोग आज उसको लाल किला बोलते हैं। और आपको मैं एक चीज़ ये भी बता दूं कि ये एरिया जो है लाल किले का, ये लगभग 2 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो लगभग 1.4 किलोमीटर बाई 1.4 किलोमीटर के स्क्वायर के रूप में आप इमेजिन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया है। और इसको आज के डेट में भी मेंटेन किया गया है, और इसीलिए इसको 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ये भी काफ़ी हमारे लिए गौरवशाली रहा है ये बात भी। और इस किले को घूमने में हमें लगभग लग जाते हैं 2.5 से 3 घंटे, वो भी तब जबकि 75% ऑफ दिस रेड फोर्ट इज़ अंडर आर्मी मिलिट्री हियर, तो हम लोग 25% ही घूम सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये किला कितना बड़ा होगा। तो आइए, अब मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ इस किले में क्या क्या खास है, क्योंकि इस किले में दीवानी खास, दीवाने आम जो महफिल सजते थे मुगल्स के टाइम पे, वो भी है, वो सब जगह भी हम लोग देखेंगे। टिकट प्राइसेस 35 ऑनलाइन, कैश इज 50। मैंने टिकट ले ली है, अब बढ़ता हूँ आगे और देखते हैं क्या क्या है यहाँ इसकी हिस्ट्री में। एंट्री के साथ हमें एक गेट मिलता है यहाँ पर, और ये गेट का नाम है दिल्ली गेट, दिल्ली द्वार। और आगे जो मेन है, जो प्राचीर है लाल किले का, जहाँ से 15 अगस्त को फ्लैग होस्ट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वो है लाहौर गेट। तो वहाँ हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। बहुत ही हाई सिक्योरिटी जोन है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और साथ में देखिए ये लाल किले रेड फोर्ट का, ये रेड स्टोन से बना हुआ ये जो किला है, कितना भव्य लग रहा है ये। ये जो गैप है किले की दीवार और सामने की ओर जहाँ से लोग चल के आ रहे हैं, ये गैप दुश्मनों को किले की दीवार से दूर रखने के लिए किया गया था उस समय। और ये गैप आपको किले के चारों ओर मिलेंगे, ताकि दुश्मन आसानी से अटैक ना कर सके किले पे। अंदर लगभग 1 किलोमीटर की लंबी वॉक है दिल्ली गेट से लाहौर गेट की ओर, तो हम लोग उसी रास्ते पे अंदर की ओर बढ़ रहे हैं। 1 किलोमीटर वॉक करने में ही पसीने छूट गए, क्योंकि काफ़ी गर्मी है यहाँ पे दिल्ली में। और ये देखिए, ये वो जगह है लाल किले का प्राचीर, जहाँ पे 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फ्लैग होस्ट किया जाता है और भाषण दिया जाता है, इसे लाल किले का प्राचीर कहते हैं।
जितने भी टूरिस्ट आए हैं यहाँ, वे फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और अपने हिस्ट्री को देखकर गौरवान्वित हो रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी ग्लोरियस हिस्ट्री रही है इस किले की। ये देखिए सामने से कितना भव्य लग रहा है, यह हमारा मोनूमेंट। रेड फोर्ट ओल्ड दिल्ली में है और बिल्कुल इसके सामने, वहाँ बिल्कुल सामने चांदनी चौक एरिया है और आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं ऑटो से, मेट्रो से, टैक्सी से। लाल किले के सामने जैसा मैंने आपको बताया चांदनी चौक है और यह फेमस है हर तरह के आइटम्स के लिए। आप शॉपिंग कर सकते हैं लोएस्ट टू हाईएस्ट रेंजेस। तो अगर आप लाल किला घूमने आते हैं तो उसके बाद आप चांदनी चौक मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये देखिए ये लाल किले के बिल्कुल सामने से चांदनी चौक मार्केट, और भीड़, इतनी भीड़ तो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती होगी जितने की इस जगह पे मिलती है चांदनी चौक मार्केट में। अब मैं चलता हूँ ये सामने वाले गेट से, जिसे लाहौर गेट भी कहते हैं। यह इसलिए क्योंकि इसके सामने लाहौर शहर होता है, अब तो वो पाकिस्तान में है, पहले इंडिया में था। यहाँ पे टिकट चेक हो रहा है, डिस्टेंस भी मेंटेन करना है 6 फीट। अंदर जाने के लिए भी अच्छी खासी भीड़ है और सिक्योरिटी चेक्स भी हैं आगे। मैं यहाँ पे इस बार काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, लगभग 20 सालों के बाद। 20 साल पहले मुझे याद है इतने सिक्योरिटी पॉइंट्स नहीं थे और हम लोग डायरेक्ट आते थे और सामने लाहौर गेट से अंदर इस किले में एंटर हो जाते थे, लेकिन आज के डेट में सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है। आइए फाइनली हम लोग एंटर होते हैं अंदर। डोर पे ये कैनन स्वागत करते हुए टूरिस्ट का। वाह क्या मजबूत किले की दीवार आ रही है, तो बिल्कुल ही हार्ड आ रहा है ना भाई। और अंदर आते ही ये यहाँ पे ओपन स्पेस है और यहाँ इस रास्ते से ही ऊपर प्राचीर पे जाया जाता है। दोस्तों सच में अंदर आते ही ऐसा देख के लग रहा है कि हम लोग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बेस्ट रेड फोर्ट, जो सच में मुगल शासक का रेसिडेंस भी था, वहाँ आ चुके हैं और बिल्कुल फील आ रहा है जैसे कि किसी टाइम पे बड़े बड़े राजा महाराजाओं के महल होते थे, बिल्कुल वैसा ही है। 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75वां, वाह क्या गौरवशाली बात है ये। और यहाँ पे गांधी जी का चरखा हमें संदेश दे रहा है कि हमें आत्मनिर्भर होना है। वाह क्या बात है, कितना बढ़िया रिप्रेजेंट किया गया है इसे। और टूरिस्ट यहाँ पे फोटो क्लिक कराते हुए, चलिए हम अंदर चलते हैं। और अंदर तो यहाँ पे कुछ हेरिटेज मार्केट टाइप का लग रहा है, जहाँ पे गिफ्ट आइटम्स के बहुत सारे शॉप्स हैं। ओह माय गॉड, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यहाँ पे हमें इतनी बड़ी मार्केट देखने को मिलेगी। और ये देखिए और जितने भी पर्यटक आए हैं दिल्ली के लाल किले को घूमने के लिए, उनमें से काफ़ी लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं। शॉपिंग के लिए काफ़ी टाइम है क्योंकि 9 PM रात को 9 बजे तक यह मॉन्यूमेंट खुला रहेगा, तो काफ़ी टाइम होता है यहाँ पे पर्यटकों के पास में, टूरिस्ट के पास में, कि वो शॉपिंग भी कर सकें और चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें, देख सकें। मार्केट में शॉल वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है, 300, 500, 150। वाह, और ये मोजड़ी की शॉप। और बीच में ओपन स्पेस है और उसके बाद फिर लगभग 100 मीटर का मार्केट एरिया। अच्छा ये तो टॉय शॉप है, बच्चों का पसंदीदा टॉय शॉप के बाद ये वुडन आइटम्स की शॉप।
लंबी गैलरी में दोनों साइड ही शॉप्स हैं। ये जो बाजार देखा हमने दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले, इसे छत्ता चौक बोलते हैं, जिसका मतलब है ढका हुआ बाजार, जो लाहौर गेट से अंदर आते ही मिला हमें। छत्ता चौक से हमें बाहर निकलते ही ये देखिए बाहर के नज़ारे, ये अंदर पैलेसेस हैं और काफ़ी खुला मैदान भी है। देखिए राइट साइड में तो बहुत ही बड़ा मैदान है, ग्रीनरी भी काफ़ी दिख रही है दोस्तों। तो ये है संग्रहालय म्यूजियम, और अब हम लोग चलते हैं दीवाने आम की ओर, नौबत खाना। दीवाने आम जहाँ पे प्रजा की आम सभा होती थी मुगल शासक के साथ, तो वो जगह हम लोग देख लेते हैं। ये सामने का जो पैलेस है यह है दीवाने आम। अगर आप घूमते घूमते थक जाएं तो चबूतरे पे बैठ के आराम भी कर सकते हैं। यह है नगाड़ा घर, नौबत खाना। किसी अतिथि के आने पे यहाँ पे नगाड़े बजाए जाते थे ताकि सबको पता चल सके कि वे यहाँ पहुँच चुके हैं। इस नगाड़ा घर के साथ में ही राइट साइड में काफ़ी बड़ा लॉन का एरिया है, बहुत ही ग्रीन है, काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। ये रहा दीवाने आम, अंदर से कितना अच्छा दिख रहा है, और यहाँ पे आम सभा होती थी प्रजा के साथ राजा की। दीवाने आम वहाँ बीच में सेंट्रल एरिया में सिंहासन दिख रहा है, वहाँ पे मुगल बादशाह बैठते थे और आम नागरिकों की शिकायतें सुनते थे। और मैं आपको लेकर चलता हूँ दीवाने खास की ओर, जहाँ पे मुगल शासक अपने खास मंत्रीगण के साथ बैठकर परामर्श और सलाह मशविरा किया करते थे। और साथ ही में ये तालाब भी है, लेकिन पानी तो इसका गंदा सा दिख रहा है। खास महल, ये जो दिख रहे हैं आपको सामने के ये जितने भी महल हैं, ये बादशाह का निजी महल था। यह है दीवाने खास, वाइट मार्बल से बना हुआ है, और यहाँ पे वो खास मेहमानों और अपने, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अपने मंत्रीगण और सलाहकारों से बातचीत किया करते थे। दोस्तों सामने वो बीच का एरिया दिख रहे हैं आप, वहाँ पे शाही सिंहासन हुआ करता था शाहजहाँ का, और उसी सिंहासन का पार्ट था कोहिनूर हीरा, जिसे पर्सियन नेपोलियन नादिर शाह के द्वारा चोरी किया गया और बाद में अंग्रेज़ों ने इंडिया से उसको इंग्लैंड ले गए। दोस्तों अब तो ना यहाँ सिंहासन है ना है कोहिनूर हीरा, लेकिन ये पैलेस है। ये रहा मोती मस्जिद, जिसे औरंगज़ेब ने बनवाया था, और उसे शाही पैलेस से अगर चलना पड़े इबादत करने के लिए तो उसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं चलना होता था, इसलिए उसने इसको बनवाया था। और दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मैं लेफ्ट साइड में आपको दिखा रहा हूँ, कितना बड़ा एरिया है यह। दोस्तों अगर आप इसको घूमना चाहें तो लगभग 3 से 4 घंटे का समय चाहिए, तब आप इत्मीनान से इतिहास को खंगाल पाएंगे और अपने नॉलेज को अपडेट कर पाएंगे। दोस्तों जितनी आपको इतिहास की बुक पढ़ के नॉलेज नहीं मिलेगी, और जो हमारे मुग़ल एम्पायर्स थे उनकी जो सीक्वेंस थी उनके शासनकाल की, जो आप बुक से नहीं ले सकते हैं, वो यहाँ पर आकर बाबर से शाहजहाँ, औरंगज़ेब से लेकर बहादुर शाह जफर द्वितीय तक क्या सीक्वेंसिंग थी, आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। तो अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और अगर हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, इस जगह को ज़रूर विज़िट करें। जफर महल,
ये वाला एरिया रेड फोर्ट का म्यूजियम के तौर पे यूज किया जाता है। यह इन सब म्यूजियम में मुगल शासक के जो वस्त्र होते थे, आभूषण होते थे, उनके बर्तन, उनके अस्त्र शस्त्र, बंदूकें, ये सब सारी चीज़ें रखी हुई हैं और वो सब दिखाई जाती हैं। आइए अंदर चलते हैं इस म्यूजियम में। दोस्तों मुझे लगभग घूमते हुए हो गए हैं 3 घंटे, मैं थक भी चुका हूँ। चलता हूँ अभी बाहर चांदनी चौक में, कुछ ट्राई करूँगा मैं, कुछ स्नैक्स और चाय वगैरह। फ्रेंड्स आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह के कुछ और वीडियोज़ में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।